भारत और जापान के सेना के बीच चल रही धर्म गार्जन एक्सरसाइज खत्म हो गई है। 17 फरवरी से शुरू हुआ युद्धाभ्यास 2 मार्च तक चला। इन 14 दिनों के दौरान दोनों मुल्कों की सेनाओं ने पराक्रम का परिचय दिया। इस एक्सरसाइज का खास मकसद भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग के स्तर को बढ़ाना और मजबूत करना है। पूरे 14 दिनों तक जापान की सरजमी पर हिंदुस्तान के जवानों ने पराक्रम का प्रदर्शन किया। पूरे 14 दिनों तक जापान के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास में हिंद के वीरों ने शौर्य का प्रमाण दिया। भारत और जापान के बीच चल रहा धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास कल यानी गुरुवार को खत्म हो गया। पूरे 14 दिनों तक भारतीय रणबांकुरों ने जापान की सेना के साथ जंग के हर मोर्चे पर दुश्मन को शिकस्त देने की अपनी तैयारियों को परखा। जापान के शिगा प्रांत के कैंप इमाजू में दोनों सेनाओं ने 14 दिनों तक अपने युद्ध कौशल को निखारने के लिए जमकर पसीना बहाया। इस संयुक्त युद्धाभ्यास में भारतीय सेना की तरफ से गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट ने हिस्सा लिया, तो जापान की तरफ से जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स की इन्फेंट्री रेजिमेंट शामिल हुई। इस संयुक्त अभ्यास में दुर्गम पहाड़ी इलाकों में दोनों सेनाओं ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। साथ ही विपरीत हालात में भी ऑपरेशन चलाने के लिए दोनों सेनाओं के जवानों ने अपने अपने तौर तरीकों की नुमाइश की और एक दूसरे से टिप्स साझा किए। संयुक्त अभ्यास के दौरान जापान और भारत ने हाउस इंटरवेंशन ड्रिल, अर्ध शहरी इलाकों में आतंकी ठिकानों पर छापे, निहत्ते मुकाबला और क्लोज क्वार्टर मुकाबला फायरिंग में अपने अपने युद्ध कौशल की बारीकियां दिखाई और मैदान जंग के दांवपेच एक दूसरे को सिखाए। भारत और जापान के बीच संयुक्त धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास का इस बार ये चौथा संस्करण था। पिछले साल कर्नाटक के बेलगांव में दोनों देशों की सेनाओं ने इस अभ्यास में हिस्सा लिया था। 2019 में मिजोरम के काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वारफेयर स्कूल में भी ये अभ्यास आयोजित किया गया था। 2018 में मिजोरम में ये संयुक्त अभ्यास किया गया था। अब तक हुए चारों वॉर एक्सरसाइज के दौरान भारत और जापान के जवानों ने बेहद मुश्किल हालात में दुश्मनों की साजिशों को नाकाम करने का अभ्यास किया है और हर एक बीती एक्सरसाइज के साथ युद्ध की अपनी अपनी तैयारियों को धार दी है। दुश्मन अगर रिहायशी इलाकों में छिपा हो तो उस पर किस तरह हमला करना है, घर में छिपे दुश्मन पर किस तरह वार करना है ताकि किसी भी नागरिक को कोई चोट न आए, अगर दुश्मन या किसी आतंकी ने किसी इमारत में पनाह ले रखी है तो कैसे उस पर वार करना है, संयुक्त युद्धाभ्यास में ऐसे सारे हालात से निपटने के लिए सेना ने अपनी तैयारियों का प्रदर्शन किया। जंग में चुनौती सिर्फ दुश्मन का खात्मा करने की ही नहीं होती, हमले में घायल अपने साथियों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने की भी होती है। लिहाजा धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास के दौरान इसका भी खूब अभ्यास किया गया। 2 हफ्तों तक चले ज्वाइंट एक्सरसाइज में भारतीय जाबाजों ने साबित कर दिया कि वो कैसे दुनिया की पेशेवर सेनाओं में शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।